हाय गाइस, मैं सर बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। जैसा कि आज आपको टॉपिक नज़र आ रहा होगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है होमोलोगस क्रोमोजोम। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर होमोलोगस क्रोमोजोम है क्या। तो पहले हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में क्रोमोजोम समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, ये देखिए टू स्ट्रैंडेड है, टू स्ट्रैंडेड क्रोमोजोम। एक फोर स्ट्रैंडेड भी बनते हैं, इसमें फोर स्ट्रैंडेड है। तो ऊपर के पार्ट को जो है, दो आर्म इसमें नजर आ रहे हैं, इस आर्म्स को जो है बोला जाता है क्रोमेटिड। तो एक क्रोमेटिड ऊपर, एक क्रोमेटिड नीचे, और दोनों जो क्रोमेटिड है एक बीच में पॉइंट से ज्वाइन रहते हैं, जिनको कहा जाता है सेंट्रोमियर। ये हो गया आपका सेंट्रोमियर, इसका सेंट्रोमियर ये हो गया। तो कहा जाएगा कि एक क्रोमोजोम है, तो एक क्रोमोजोम में कितने सेंट्रोमियर कितने क्रोमेटिड होंगे, तो टू क्रोमेटिड होते हैं। एक सेंट्रोमियर में टू क्रोमेटिड, ये तो हो गया क्रोमोसोम क्या है। उसके बाद हमको समझना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम। होमो मतलब होता है एक समान, लोगस मतलब होता है पेयरिंग, मतलब कि दो समान गुण सूत्रों का पेयरिंग होना। तो पेयरिंग कैसे होगा, इसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि चलिए दो गुण सूत्र ले लीजिए, एक गुण सूत्र हो गया, दूसरा गुण सूत्र ले लीजिए, टू नंबर हो गया, इसको कहा जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस में अब शर्त देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला शर्त है कि दो गुणसूत्रों का पेयरिंग होना चाहिए, पेयरिंग ऑफ टू क्रोमोसोम। और किस प्रकार के गुणसूत्रों का पेयरिंग होना चाहिए, तो जैसा आप देखते हैं कि कोई भी यदि बॉडी है, वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, इसमें भी 46 गुणसूत्र हैं, इसमें भी 46 गुणसूत्र हैं, इसको 23 पेयर भी कहा जाता है। तो 23 पेयर कहने का मतलब है कि किसी भी लड़का में 23 जो है से फादर, यानी वैसे गुणसूत्र जो फादर के तरफ से आए हैं, और 23 जो गुणसूत्र हैं वे मदर के तरफ से आए हैं। तो जो फादर के तरफ से जो आए रहते हैं उस गुणसूत्र को कहा जाता है पेटर्नल, और जो मदर की तरफ से गुणसूत्र आए रहते हैं उनको कहा जाता है मेटर्नल। इसका मतलब है कि कोई भी बॉडी है, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उसमें दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, पेटर्नल और मेटर्नल। पेटर्नल मतलब कि जो फादर की तरफ से आए हैं, और मेटर्नल मतलब कि जो माता की तरफ से आए हैं। तो जब पेयरिंग होगा दो गुणसूत्रों का, तो यह जो एक गुणसूत्र है इसको सपोज मान लीजिए पेटर्नल गुणसूत्र है, और ये जो है से मेटर्नल गुणसूत्र है। मतलब कि वैसे दो गुणसूत्रों के बीच में पेयरिंग होगा कि जो एक पेटर्नल होगा और एक मेटर्नल होगा। तो पेयरिंग बिटवीन पेटर्नल एंड मेटर्नल क्रोमोसोम। अब एक चीज और समझने का प्रयास करते हैं। तो पेयरिंग हो गया कि एक पैटर्नल और एक मैटर्नल गुणसूत्रों के बीच में पेयरिंग होगा। अब पेयरिंग में होमोलोगस का क्या खासियत है, तो होमो मतलब एक समान होता है, तो एक समान करने का मतलब है कि यदि इसका सेंट्रोमियर आप यहाँ देख रहे हैं कि बीच में है, तो जब सेंट्रोमियर जब बीच में हो तो कहा जाता है मेटासेंट्रिक, दे हैव सेम सेंट्रोमियर पोजिशन। यानी दोनों के जो सेंट्रोमियर हैं वो एक पोजीशन पर है, इसका भी बीच में सेंट्रोमियर है, इसमें भी बीच में है, यानी मिड पॉइंट पर है। तो ऐसे जो मिड पॉइंट पर रहेगा तो उसको कहा जाता है सेंट्रोमियर बीच में हो, तो इसको कहा जाता है मेटासेंट्रिक। तो पहला तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर शुड बी सेम होना चाहिए। इसके अलावा ये जो गुणसूत्र है इस पर जीन स्थित होते हैं,
तो मान लीजिए जिन का क्रम ए बी सी है तो इसमें भी जिन का जो क्रम है वो ए बी सी होना चाहिए, और जिन जिस पॉइंट पर स्थित होते हैं उसको जिन लोसी कहा जाता है। इसका मतलब है कि जिन सीक्वेंस एंड जिन लोसी शुड बी सेम, ये भी एक समान होना चाहिए। तो होमोलोगस क्रोमोजोम में दो तीन शर्त क्या है, एक चीज आप समझने का प्रयास कीजिए कि दो गुण सूत्रों के बीच में पेयरिंग होगा और जो पेयरिंग करने वाले जो गुण सूत्र होंगे एक पैटर्नल गुण सूत्र होंगे और दूसरा मैटर्नल गुण सूत्र होंगे। तीसरा पॉइंट है कि सेंट्रोमियर का जो पोजिशन है दोनों गुण सूत्रों में दोनों क्रोमोजोम में एक समान होना चाहिए, और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दोनों जो गुण सूत्रों में है जिन सीक्वेंस यानी जो जीन उस पर स्थित होते हैं उनका पोजीशन और लोसी यानी किस पॉइंट पर स्थित है दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसे गुणसूत्रों को कहा जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम। पूछा जाएगा कि मानव में होमोलोगस क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग में 23 पेयर जो गुणसूत्र होते हैं तो इसका मतलब है कि होमोलोगस क्रोमोसोम की जो संख्या जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 23 लोगस क्रोमोसोम। तो अब हमें उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।